हमने एक मेजर हमने पार्टनरशिप एक्ट देखा कि इट इज इन अवर कोर्स। फिर जनाब वो आता है कंपनी जाने, तो कंपनी में देखे ना, कंपनी अगर आप देखें कोई किसी की हो भी सकती है, अब वो काम भी कर रहे हो जो भी है, तो कंपनी इज अ वेरी ह्यूज बिजनेस। बड़ा मतलब जिसे कहते हैं कि अगर छोटी भी कंपनी है लेकिन उसका बिजनेस बड़ा एक जिम्मेदारी वाला बिजनेस होता है। तो कंपनी में नॉर्मली रोजाना ट्रांजेक्शन होती हैं। अब ट्रांजेक्शन में जाए तो अकाउंटिंग में हम चले जाए, अकाउंटिंग में जाए तो ट्रांजेक्शन में सारी बातें आ जाती है, भाई किसी से पेमेंट लेनी है, किसी को पेमेंट करनी है, किसी से सामान लेना है, किसी को सामान पहुंचाना है। अब ये सब जो है ना, सामान पहुंचाना है, पेमेंट लेनी है, उसने सामने वाले ने वादा कर दिया है पेमेंट देने का, तो एक तरह से जो कंपनीज हैं वो समहाउ कंपनीज इवन पार्टनरशिप बिजनेस बिजनेस जो है समहाउ इनके पीछे चल रहा होता है काम कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है जनाब, ये एक पूरा किस तरह बनता है, इसके क्या क्या लवाजमात हैं, इसके लिए पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया 1872 में आया कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, एंड कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स, और ये मतलब एक पूरी दुनिया। तो बेसिकली हमारा जो डिस्कशन है कोर्स का मेजर, वो हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही होगा। और यूं समझें कि दिस विल फॉर्म ऑलमोस्ट आपका 65% to 70% ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस लॉ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आप इसकी अहमियत समझें, कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि ये नाम कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी एक वसी दुनिया जो है वो शामिल है। फिर जनाब हम अपनी बात इसी से आगे बढ़ाते हैं, किसी को पेमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, किसी को पेमेंट किसी से पेमेंट लेने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो ये पेमेंट वगैरह जो होती है नॉर्मली तो हमने देखा कैश से हो जाती है, लेकिन अकाउंटिंग में जाए तो हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी पढ़ी है कि बाद में पैसा देते हैं बाद में पैसा लेते हैं। और अब इसमें बाद में पैसा लेने और देने का तरीका भी अलग अलग आ गए हैं, तो उसमें जरा अगर हम चलें तो इसी से बात आगे बढ़ेगी। तो मैं सिर्फ पेमेंट मेथड्स की बात करूं तो पेमेंट मेथड्स हमारे बहुत सारे तरीके से होते हैं, जिसमें से नंबर वन जो है वो है चेक। चेक इज द फेवरेट वे ऑफ पेइंग द अमाउंट, है ना, रिसीव भी चेक में हो जाता है। अब तो डायरेक्ट डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आ गए, लेकिन चेक जो है वो बड़ा अच्छा जो है वो तरीका राइज है पेमेंट करने का और पेमेंट लेने का। तो अब चेक के अलावा भी दो तीन चीज़ें हैं जिससे पेमेंट होती है, होती रही थी, और अब थोड़ा सा उसका मामला कम हो गया है। तो उसमें मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ तीन चीज़ों के, चेक्स, एक होता है प्रोमिसरी नोट, अकाउंटिंग में पड़ा है नोट रिसीवेबल नोट पेबल, दैट इज द प्रोमिसरी नोट, और इसके अलावा एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ये बहुत काम आता है। तो दीज आर द सम पेमेंट मेथड्स, इसके थ्रू पेमेंट होती है। लेकिन